कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमीरपुर मुख्यालय पर बचत भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक निदेशालय के डायरेक्टर ब्रिगेडियर एस के वर्मा, डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा, एसपी रमन कुमार मीना ने शिरकत की। इस अवसर पर कारगिल में शहीद जवानों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। एसके वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के आभारी हैं कि हर जिला स्तर पर कारगिल विजय दिवस मनाने का निर्णय बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर शहीदों को नमन करने के साथ याद करना शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश सरकार के आभारी हैं कि सरकार ने कारगिल विजय दिवस को हर एक जिला स्तर पर और बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला लिया है। इसमें जो पूर्व सैनिकों को और शहीद परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यही एक तरीका है जिससे कि हम शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता और पूर्व सैनिकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सकते हैं। डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर शहीद हुए जवानों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अगर किसी शहीद परिवार के सदस्य को कोई समस्या हो तो उसका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आज 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में हमने यहाँ पे आज मनाया है जिला प्रशासन की ओर से। ये पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। ये हमारे शहीदों को शहादत देने के लिए मनाया जा रहा है, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर किया और हमारे देश के आगे आक्रमण उस पर ना हो उससे उसको बचाया। आज के दिन हमने शहीदों के परिवार वालों को बुलाया, उनको सम्मानित किया और हम ये आशा करते हैं कि जिला प्रशासन और उनकी तरफ से कोई भी कभी भी इन परिवारों को या एक्स सर्विसमैन को किसी को भी कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहीं एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीना ने कहा कि विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन किया गया है और शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि शहीद दिवस कार्यक्रम सफलतापूर्वक मनाया गया, जो कि खुशी की बात है। आज 26 जुलाई सन 1999 में जो भारतीय सेना ने कारगिल में विजय प्राप्त करी थी दुश्मनों पर, उसको याद करने के लिए, उस शहादत को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार ने एक आज के दिन ये प्रोग्राम पूरे हिमाचल में रखे थे, उसी की एक कड़ी के तौर पे यहाँ पे आज हमीरपुर में ये प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें जो शहीद परिवार हैं, शहीदों के परिवार, साथ ही साथ पूर्व सैनिक और जिला प्रशासन, पुलिस की तरफ से सभी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और कुछ कार्यक्रम भी रखे गए। सभी ने अपनी बात रखी और उन शहीदों को नमन किया गया जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस पूरे राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र की अखंडता को और जनता की रक्षा करी है। तो ये एक राज्य सरकार का ईमानदार प्रयास रहा है और ये सफलतापूर्वक यहाँ हमीरपुर में आज मनाया गया है। थैंक यू। 357 नकनाइश बांग्लादेश में जख्मी हुआ हूँ, इसमें हमने 90,000 पाकिस्तानी विद हथियार विद अमनिशन कैद किए, 9,000 जो जख्मी जो है उनको भी हम इंडिया में ले आए और इसके बाद यानी कलकत्ता में आया, कलकत्ते के बाद में पूना में, पूने के बाद सिकंदराबाद में, उसके बाद रिटायर होकर के मैं डाकखाने में मैंने नौकरी की, डाकखाने की नौकरी करने के बाद अभी रिटायर हूँ, समाज सेवा में हूँ, सार्वजनिक सुधार सभा में हूँ, सीनियर सिटीजन काउंसिल में हूँ और जो भी मतलब मेरे पास भी आदमी आता है उनकी मैं पूरी तरह से सेवा करता हूँ। धन्यवाद।